दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाए जाते हैं। इन सब में सबसे अहम बड़ी दिवाली का दिन होता है। धनतेरस से भाई दूज तक मंदिरों और घरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया जाता है। इस दिन बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इस बार कौन सा त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। धनतेरस। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस कहते हैं। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीप जलाया जाता है। धनतेरस शुक्रवार 25 अक्टूबर को है। शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से 8:15 तक। प्रदोष काल 5:42 से 8:15 तक। वृषभ काल 6:51 से 8:47 तक। दिवाली। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। दिवाली रविवार 27 अक्टूबर को है। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से 8:15 तक। प्रदोष काल 5:40 से 8:14 तक। वृषभ काल 6:44 से 8:39 तक। भाई दूज। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व का ये आखिरी पर्व होता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती करती है और अपने भाई की लंबी उम्र और उसके अच्छे भविष्य की कामना करती है। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजन होता है। भाई दूज मंगलवार 29 अक्टूबर भाई दूज तिलक का समय 1:11 से 3:25 तक। तो आप सभी व्यूअर्स के लिए हमने दिवाली के पर्वों के सही दिनांक और समय के बारे में बताया है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना होता है क्योंकि यदि हम इन त्योहारों को मुहूर्त के हिसाब से पूरा करते हैं तो ये हमें लाभ प्रदान करते हैं, और इसीलिए आपके बारे में सोचते हुए हम आपके लिए इन त्योहारों के सही समय और दिनांक के बारे में ये जानकारी लेकर आए हैं। आशा है कि आपको इन त्योहारों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो और आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी सही समय और दिनांक के बारे में जानकारी पा सके। और इसी तरह से ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।